को पावर्ड बाय ग्रीन फ्लाई E0 चुनो, खुल के सांस लो। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, बंगाल में दीदी का नया खेला सामने आया, जहां वोट के लिए अपना गोत्र बता रहे हैं। तुष्टीकरण का कार्ड अब फेल हो चुका है ममता बनर्जी का, इसलिए गोत्र पर ममता बनर्जी आ चुकी है। दीदी गोत्र बताकर क्या नंदीग्राम का संग्राम जीतेंगी, ये बड़ा सवाल, क्योंकि दूसरे दौर के प्रचार के अंतिम दिन अब ममता बनर्जी ने गोत्र कार्ड खेल दिया है। नंदीग्राम के रण में जब ममता बनर्जी उतरी थी तो ये बात तो साफ हो गई थी कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा ले रही हैं, मंदिर भी जा रही थी, होली मिलन के समारोह में भी शामिल हो रही थी, लेकिन चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आते आते उन्होंने अपना गोत्र तक बता दिया। और ऐसे में क्या ये ममता बनर्जी का कार्ड उनको सफलता दिलाएगा, क्योंकि गोत्र कार्ड जाहिर तौर पर तुष्टिकरण का कार्ड फेल होने पर ही खेला गया है। तो ये गोत्र कार्ड कितना कारगर साबित होगा ममता बनर्जी की जीत को लेकर, उनके प्रदर्शन को लेकर, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है, ঠাকুর মশাই ঠাকুর মন্দিরে ছবি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, পুজো নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তো আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন মা তোমার গোত্রটা বলবে, আমার মনে পড়ে গেল আমি ত্রিপুরায় ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম, সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মশাই মা তোমার গোত্রটা কি, আমি বলে ফেলেছিলাম মা মাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। ঠাকুর মশাই কাল মে দিদি কা ভোট কে লিয়ে গোত্র কার্ড, अब देखिए ये सामने आया है। तुष्टिकरण का कार्ड तो फेल हो चुका है, लेकिन अब क्या गोत्र कार्ड ममता बनर्जी को नंदीग्राम में जीत दिलाएगा, क्योंकि बंगाल का जो चुनावी रण है वो पूरी तरीके से नंदीग्राम पर आ चुका है। भले ही 30 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन सभी की नजरें नंदीग्राम पर टिकी। और ये गोत्र कार्ड खेलना क्यों पड़ा, इसे भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नंदीग्राम के जातीय समीकरण को देखें तो 70% हिंदू वोट बैंक है वहां पर, और दीदी के अगर तुष्टीकरण की राजनीति की बात की जाए तो वो महज 30% तक सिमटती नजर आ रही है। और उस पर भी बड़ी बात यह कि लेफ्ट की ओर से उम्मीदवार जो है मैदान में उतारा गया है। और रमन मेरे सहयोगी मौजूद है नंदीग्राम से, सीधे लाइव उनका रुख कर लेते हैं। रमन देखिए तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप तो लगातार ममता बनर्जी पर लगता रहा, लेकिन अब मजबूरी जो बनी थी उनकी मंदिर जाने तक की, अब वो गोत्र कार्ड तक आ पहुंची है। ऐसे में गोत्र कार्ड कितना बड़ा दाव हो सकता है ममता बनर्जी का? देखिए बिल्कुल रितिका, और जिस दिन पहले दिन नंदीग्राम में दीदी ने रैली की थी या जनसभा की थी, उसमें उन्होंने पहले खुद ही कहा था कि मेरा नाम ममता बंदोपाध्याय है, मैं पंडित की बेटी हूँ, उसके बाद चंडी पाठ करती हुई भी वहाँ पर नजर आई, क्योंकि ये बात अच्छी तरह से सबको पता है कि अगर नंदीग्राम की जंग को जीतना है तो जो 70% वोट बैंक है उसे साधना होगा, और इसीलिए ये सारी कवायद है, इसीलिए मंदिर के दौरे हैं, और इसीलिए इस वक्त लास्ट में गोत्र भी उन्हें याद आ गया, क्योंकि लगातार जो विपक्षी पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी है उसे लगातार इस तरह के सवाल उठाती रही कि ये चुनावी वक्त है, चुनाव के मौसम में दीदी नई नई हिंदू बन गई हैं, तो इसीलिए गोत्र का भी उनका याद आया। हालांकि उन्होंने कहा कि वैसे मेरा गोत्र मां माटी मानुष है, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से बात करें तो मैं शांडिल्य गोत्र से आती हूँ, यानी उस गोत्र को बताने की उन्होंने कोशिश की कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ, और इसीलिए चुनाव में जो हिंदू वोट बैंक है उसे अपनी तरफ साधने की उन्होंने पूरी कोशिश की है, क्योंकि नंदीग्राम की जो पूरी लड़ाई है बेहद दिलचस्प इस वक्त हो गई है। दोनों ही पार्टियों ने कल पूरे चुनाव प्रचार में ताकत लगा दी, दीदी व्हील चेयर पर बैठकर पूरे का पूरा उन्होंने रोड शो किया, और उसके अलावा वो मंच पे भी जब उन्होंने बोला तो मंच पर भी उन्होंने एक नया नारा दे दिया है। वहाँ इन्होंने कहा है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं और सब मिलकर वोट करते हैं, यानी अब अपीजमेंट की राजनीति इस बार वो यहाँ पर नहीं कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक भी पक्ष नाराज हो गया। रमन ये सबसे बड़ा सवाल अभी छूट जाता है। रोहित भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, दीदी के गोत्र कार्ड पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा हमला किया। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि सनातन का अपमान करने वाले हार के डर से गोत्र बताने लगी है ममता बनर्जी। शांडिल्य गोत्र सनातन और राष्ट्र को समर्पित है, वोट को नहीं। मुझे तो कभी गोत्र बताने की जरूरत नहीं पड़ा, मैं लिखता ही हूं, लेकिन ममता दीदी मोदी जी के डर से, चुनाव हारने के डर से गोत्र बता दी। अब तो मुझे लगता है कि ममता दीदी अब आपको मुझे बता दें कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी तो सांडिल नहीं है। ममता दीदी डर गई है, कभी जय श्री राम से चीरती है
तब कभी गोत्र बताती है ममता बनर्जी का हारना तय है। और रोहित हमारे सहयोगी कोलकाता से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, एक अच्छा मौका मिल चुका है भारतीय जनता पार्टी को गोत्र के मामले में ममता बनर्जी को घेरने का। और क्या ममता बनर्जी को गोत्र इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि नंदीग्राम के समीकरण जो है वो जाति के मामले में 70-30 है? देखिए अनुराग, इस वक्त मैं आलमपुर में हूँ, बीएसएफ कैंप पे। यहाँ पर भी बीजेपी से निमाने के लिए स्टार प्रचारकों को उतारे, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि देखिए स्टार कैंपेनर को लाना अब टीएमसी की मजबूरी होगी। बड़े बड़े चेहरे बीजेपी के मैदान पे आ जाते हैं। अब सेकंड पॉइंट क्या हुआ कि नंदीग्राम में आपने स्टार को उतार दिया कि किसी तरह से लोगों को अपने साथ जोड़ ले, लेकिन बीजेपी के पास क्या था? बीजेपी के पास भगवाधारी थे, यानी वो रंग जो सीधे सीधे तौर पर जो है तुष्टिकरण की सियासत करने वाली दीदी के लिए भारी पड़ सकता था। ये चयनी तौर पर दीदी को चुनौती थी और दीदी को पता था कि आखिरी वक्त पर जब चुनाव प्रचार थम चुका है तो आपके पास एक ट्रंप कार्ड बचता है जिसको आप खेल दीजिए, जिसके बाद ये साबित कर दीजिए कि हाँ, हिंदू वोटों का अगर बंटवारा कर लिया जाए तो शायद मेरे पास जीत के संभावनाओं का को बल मिल सकता है। और दीदी ने इसलिए आखिरी दाव चलाया कि भाई वोट कार्ड को खेलने के लिए उन्होंने अपना गोत्र कार्ड बताया, लेकिन इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? इसके लिए बीजेपी ने मजबूर किया। बीजेपी ने इसलिए मजबूर किया क्योंकि दीदी को राम के नाम से चिढ़ था। बीजेपी ने उस वक्त सवाल उठाया कि आपको कलमा पढ़ने से गुरेज नहीं है, लेकिन आप दरअसल दुर्गा मूर्ति को विसर्जन के वक्त में आप राजनीति करने लगती हैं, जबकि मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है उस वक्त आप उनके साथ रहती हैं। तो बिल्कुल जिन चीजों से चिढ़ती थी ममता बनर्जी, आखिर अब ममता बनर्जी इतनी मजबूर क्यों हो चुकी है कि जय श्री राम का नारा लगाती हैं, मंदिर मंदिर जाकर मत्था टेकती हैं और अब गोत्र कार्ड भी अपना खेलती हुई नजर आ रही है। रोहित और रमन, आपका रुख करते रहेंगे फिलहाल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, खबरें लगातार जारी, आप बने रहिए जी हिंदुस्तान के साथ।